से भी रहा। आशा ना पूरा विश्वास भाई कहानी की आप लोग जरूर सुनिया ध्यान लगा के। मास्टर साहब कभी ने चार लाइन भूम कर लिखा कैसन
सबकी नमस्कार बा, लेकिन ऐसी कहानी की शुरुआत बा जवाहरी में कहना बा कैसन चंपा जैसा नाम वैसा काम बड़ी टाप माल रही
एसपी गुजरा, अंग्रेज एसपी गुजरा सवारी करके घोड़े की, जब नजर पड़ी अंग्रेज की ये बाबू तो चेहरा देखकर चंपा की मोहित हो गया। कहने लगा अरे राम, ईश्वर ने किस सांचे में ढाला है इसे, बड़ी सुंदरता है, कोमल शरीर है और नौजवान है। इशारा करता है, सवारी से उतरता है, घोड़े की सवारी कर रहा था। अंग्रेज यशपी कहता है कि ओ डार्लिंग, चंपा सुनते मान लखेला, कौन किसकी आवाज है इस बगीचे में गुजर रही है, गूंज रही है। फिर एक बार यशपी कहता है ओ हसीना, कहो लुका छिपी खेलाता हूं। चंपा बोली कौन है, मेरे जवानी पे फिदा है मेरे चेहरे पर, सामने आए। अब अंग्रेज एसपी निकला भैया, एकदम सूट बूट वर्दी पहने बा, देखो हमारी तरफ। अब चंपा देखो तैयार रह गई, फिदा हो गया। एसपी कहने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है, चंपा बोलती है कि मेरा नाम चंपा है। एसपी कहने लगा तुम्हारा नाम चंपा है, हाँ मेरा नाम चंपा है, काम क्या है इस बगीचे में, तुम क्या कर रहे हो। कहने लगा एसपी कि ओ मेरी जान, तुम्हारे प्यार में मैं पागल हूँ और इसीलिए मैं इस रास्ते से गुजर पड़ा, तुम्हारा चेहरा जो है ना लाइट मार रहा है। चंपा आग बबूला हो गई, दौड़ के कहने लगी जिस रास्ते से आए हो पापी, उसी रास्ते को पकड़ कर चले जाओ, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एसपी ठट्ठा मार के हंसने लगा, कहा बा चंपा असही हम पीछा ना छोड़ा। हाथ पकड़ लिया कलाई, जब जो ईसन पकड़े एसपी अंग्रेज, चंपा चिल्लाने लगी कहना बा मार सबे की गीत लग गवा। हे गीतिया के बड़ा भैया भरत शर्मा जी गावे, कैसन गावे है में। चंपा के जब कलाई पकड़ता है अंग्रेज एसपी, तो चंपा को हार लगाती है कि बचाओ जान मेरी, मेरी इज्जत लुटने वाली है। उस समय होता क्या हमारे सब कहना बा, कैसे है
भैया मोती सुनकर बीडीसी भरोना चौराहा की धरती से 100 रुपए का पान पुरस्कार ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। अरे चंपा आपकी बिटिया ही पापी अंग्रेज की चंगुल में जिस तरह मैं फंसी हूँ, मैं आपसे गांव वालों से मैं गुजारिश करती हूँ, मेरी इज्जत बचाइए, मेरा जान बचाइए। लेकिन मार सब कहना कबा एक गीत बा, बाह जिया बहादुर कहना बा चौहान आप बड़े भैया जी की ओर से 100 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना 100 में सब भैया लोगन की प्रणाम बा। लेकिन उस समय का हो था कोई सुने नहीं चंपा के दुहाई बाबूजी, सब लोग डर रहे थे उसका। जब सवारी करके जब घोड़े का सवारी करके निकलता था जिस रास्ते से, तो लोग गनगन गनगन कांपते थे। चंपा की दुहाई कोई नहीं सुना। उसी रास्ते से घोड़े पर सवार जिसका नाम है जौहर सिंह डाकू, जौहर सिंह डाकू घोड़े पर सवारी होके जब निकल रहा था, तो उस समय आवाज सुनाई दी, चंपा की आवाज सुनाई दी कि अरे हमारे देश की बहन बेटी की आवाज है, लगता है हमारी बहन बेटी कोई संकट में है। और यहां बड़े भैया पहलवान दादा के नाम पर 51 रुपए का पान पुरस्कार ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। लेकिन बिरहा में गौर कराया भैया, जौहर सिंह डाकू सवारी से उतरता है, घोड़े की सवारी से जब उतरता है, तो उस समय क्या होता, गीत बदल गई मार सब कहना काबा।
की कहता है कि इसे में खा रहा तुम्हारी। चल जा यहाँ से। हमारे देश की बहन बेटियों का हाथ छोड़ दी, अन्न था इसका अंजाम क्या होगा। एसपी तू भी जानता है, ठट्ठा मार के एसपी हंसने लगा, तुम्हारे तलाश में मैं था, आज तू मेरे तलाश में है। मैं चंपा पर मैं फिदा हूँ, मैं चंपा से प्रेम करता हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे देश की बहन बेटियों को मैं छोड़ दूँ। तब ले चंपा आवाज लगाती है, का कहे जोहर सिंह डाकू से कहे, का कहे, अरे चंपा करे तोहरा पे, नाच पीरा ना, अरे नाच पीरा ना, आज तोहरे हाथे बाट, अरे नाच पीरा ना, सुनकर कमेटी के अध्यक्ष ये सुंदर से पुष्पहार 100 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना 100 में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। अरे बिल्कुल एकदम कजरा मोहब्बत वाला, आँखियों में ऐसे डाला कजरे में ले ले मेरी जान। हाँ रे मैं तुझ पे क्या बात है, लेकिन हो समय चंपा कहने लगी जोहर सिंह डाकू से कि ये भैया द्वापर युग में जब द्रौपदी के लाज जात रहे तो कन्हैया जी आ रहे, जब आज हमार लाज जाता तू कन्हैया बन के हमार लाज बचावा। ईएसपी अंग्रेज से एकदम सीना चौड़ा हो गया डाकू जोहर सिंह का, कहने लगा ए बहना तेरे भैया के होते हुए तेरी लाज क्या, मैं इस अंग्रेज का सीना छलनी कर दूंगा, चिंता मत करना कशन। अरे एसपी दुशासन दुष्ट पकड़ा कलैया, अरे लचिया बचावा भैया बन के कन्हैया। शबनम का आंसू सोला बन गया, अरे शबनम का आंसू सोला बन गया, शबनम का
आंसू सोना बन गया जो हर ज्वाला लाल उठा अग्नि का यार डोला यार है डोला। शबनम का आंसू सोला बन गया लेकिन ये भैया ओ समय जौहर सिंह डाकू कूद पड़ा अंग्रेज एसपी के मारे बुदी कहना बा कैसन मार साहब बड़ा पुरान गीत था कहा गया कि नवा चीज नौ दिन पुरान चीज सब दिन जैसे पुरनिया दद्दा लोगन बताए हैं कि जैसे पुरान चाउर पुरान दाल पुरान गुड़ और पुरान दारू पुरान मेहरारू पुरान मेहरारू का मतलब गलत मत समझिया। ये पहले जमाना का बात कर रहे हैं कि पहले जमाना के दद्दा लोग महुआ चना भेज भेज खाए तू कहा अपने बाप का अकेले हुआ इनके बाबू की दाई ने कोई समय बदल गए सिंगल ही बैल हा कितना तलुक तू पढ़े हवा पट्टे अच्छा ये बतावा 40 तलुक स्कूल बा अब इनसे पूछल जाए कि कैसन इंटर हाई स्कूल पास कइलन मतलब चार जने की मिलाई के 10-10 पास भो अब बाप का अकेला ही है अच्छा इनका लोग को मिलाए भी है वाह हाँ इनके घर तू ही जाते हैं खर्चा इनके तू चलावत है एक सब लड़के वही हमारे हैं एक आन नपुंसक है कार्य यार कहाँ करा जाए लेकिन है भैया कहा गया कि पुरान चीज पहला जमाना रहे कि दद्दा लोग दोपहरिया बेला में जब बर्धा चला किया हुए तो दादी माई हरे का काम कर रहे कि खाना निकाले आया चरा से हाँ कहे तब दादा हरे खाए अब पहला जमाना रहे कि बीता भी घूंघर दे चुनी भी सेनूर आया कमाई हरे अब कमाई बगलिया दे लेती है तब काहे दे तरन भैया हमारे पति का लंबी उम्र हो और आज वाले तनिक दे थी जो उन्हें जल्दी मर जाए दूसरे ठाई जाए तोर वाली भैया कैसे दे था उनके वाली भर के दे था यही से जिंदगी बनी बना शरीर बनाए हवन अब पहला जमाना रहे कि अपने मन से धू का नाम न ले अब तो ये इतना मरबू बहन पहला जमाना रहे कि पहला लोग पुराने नाम धरे जैसे माला रामदास हुई है एकदम रामदास ही हुई है हीरा लाल हुई है दुखी राम हुई है पन्ना लाल हुई है छेदी लाल हुई है छेदी लाल के हो का बताई हाँ छेदी लाल हुई है तुम्हें बड़ा मजा आता पहला जमाना रहे अब तो भैया पहला जमाना रहे कि माई काका से बुलावो है अब तो जमाना बा मम्मी डैडी मम्मी हेलो डैडी डैडी मॉम चल रहा है अब क्या बात है डैड क्या बात है डैड मर गए पहला जमाना रहे कि हमारे स्वर्गीय दादा राम कैलाश के गीत गावे अरे वाह कैसन गावे तीन चीज मशहूर बा स्वर्गीय दादा राम कैलाश का लटका अबे लटकई बा आ स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी का झटका आ लाल जी लहरी जी का फटका घूम के आओ मथुरा काशी बा भतरासी बाटी न ए लवंडे जब से तुम बिरहा गा रहे हो मैं चट्ठा पहन के घूम रहा अरे वाह अच्छा ई के कहा लहरी गुरु जी का स्वर्गीय दादा राम कैलाश की गीत गवाए स्वर्गीय दादा राम कैलाश कहें सुनई वाले बड़का भैया दास कहता मेरे दोस्त दुल्हन अपन
की याद में पेरा था जैसे भैंस खूंटा में चारा बिन पेरा था, वैसे दुल्हन पिया के याद में पेरा था, जैसे तोर वाली पेरा था। अभी चला यहाँ एकर औरतिया तकिया पकड़ के रोवा था। एकर का करती है बेचारी। लेकिन भैया दादा कहो कि जमीन पे बैठे वाले भैया जमींदार होते और आप सब चाह तो कलाकार की उठाई दा और आप सब चाह तो कलाकार की सुनाई वाले चाह तो कलाकार का उलार दे। लेकिन दादा ये गीत गाँव कैसन सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है, कहीं भी कार्यक्रम होता है तो सोना कार्यक्रम कहाँ बा भैया यह जो के बा कौन चला हम देर सवेर पहुँच जा। प्रीतिपाल जी के खास आदमी है। हाँ ड्राइवर साहब है। हर बात निराली बा। 100 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। हमारे इलाहाबाद का एक लड़का बा, बड़ा पेवर लड़का बा, माटी का गीत था कैसन आए हाय कोना दुलहिन काया रे झकोरम अरे झुलनी अरे झकोरम अरे झुलनी सारी लहराई हो झकोरम अरे कैसन अरे घुसूरी गवा बरधा अरे घुसूरी गवा बरधा सरी मछारी घुसूरी गवा बरधा
रहन हम तीन जने के बीच में हम एक ओरी लाल जुलो हरी गुरु जी एक थी राजेश ग्वाला तो हम बीच में पड़ गए कहन सोना सुहानी तुम बहुत अच्छा गाती हूँ और आज बिरहा जगत के प्रेमियों अरे बा बा काका हम तो के काका लगत हुई समय लगता ही आज मेरा पला पड़ा है सोना सुहानी से आज आपका पला पड़ा है सोना सुहानी से पला पला है और राजेश ग्वाला से उनके गीत देखी मशहूर रही का गवाई हमका देख के गन कहे ना तुमका देख के हमको एक गीत याद आ गया हूँ कहा गुरु जी फरमाइए ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं हम कहा गुरु जी वाह आपका दर्शन पाई कि हम धन्य हुई गए कहन धन्य हो गई हम कहा ना भाई क्या मैं आगे देखो अच्छा ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं हम कहा हमका मालूम है नहीं गुरु जी हम कहा ठीक है आपके आगे पैदा हम आपका बिटिया है वही नहीं ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं अभी तू कितना हंसी और मैं जवान तुझ पे पूरा पान मेरी जान मेरी जान
ससुरबा थुथुरी जाबू ना ससुरबा थुथुरी जाबू ना तनई हर सिखलू नाही सहुरवा ससुरवा थुथुरी जाबू ना समय बा ओ समय जौहर सिंह ताकू चंपा की बात सुन के एकदम गनगना उठा किया मेरी बहना इस एसपी को तो मैं लात लात मार के अधमरा कर दूंगा। तू डर मत, तेरा भाई अभी जिंदा है। अरे वाह, उस समय कहा ना कहा होगी। चंपा एक लात मरती है। दादी
कि आपके पास पहुंची, हमार शादी में जरूर आइहा, आशीर्वाद देते हैं। जवाहर सिंह डाकू कहने लगी कि ये चंपा तू तो मेरी जिगर की टुकड़ा बन गई, मेरी जान बन गई, तू मेरी बहन नहीं मेरी बेटी है तू, चल मैं तुझे वादा करता हूँ तेरी शादी में मैं आऊंगा। लेकिन उस समय जब एसपी को मुक्का लात मार के जवाहर सिंह भगाता है तो अंग्रेज जवाहर सिंह अपने मन में ठान लिया अंग्रेज को लेकर पूरी अपनी तैयारी लगा दिया, सबसे कह दिया कि चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं भी दिखे जवाहर सिंह डाकू बम गोला से उड़ा दो। जौन जौन कोड़ा मारा रहे ये भैया कि एकदम वर्दी उतार के मरे कि इसे कुल ऐसे लपेटा रहे, अंग्रेज जितना देखो कहीं रे ये कैसे एसपी जी मरा गई लन। एसपी जी का बात होता मार खिलो चप्पा चप्पा छनवा रहे हैं कि जहां मिलेगा बम गोली बारूद से उड़ा देना। लेकिन ये भैया धीरे धीरे चंपा की शादी का डेट आई, जब चंपा की शादी की जब डेट आई तो उस समय जवाहर सिंह डाकू समझ गया कि मेरे तलाश में एसपी सिंह है, मुझे फेस बदल के जाना पड़ेगा चंपा से मिलने, क्योंकि मैं उससे वादा किया हूँ कि मैं तुम्हारे शादी में जरूर आऊंगा। लेकिन उस समय होत का बा आला के भाव में से मिलने चंदौली की धरती से विरहा की कदरदान
संजय यादव आम बड़े भैया जी की ओर से 101 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सप्तकल पंच के नमस्कार बा। कोरोना का के अंग्रेजी एसपी चंपा से पूछता है कि तेरा भाई जौहर सिंह कहाँ है बता। लेकिन वो समय होत का बा हाथी घोड़ा बांध दी हले पापी नीरा दैया लेकिन भवानी आना कुछ हूँ बता हाथ पैर चंपा की जब बांध दिया कोड़ा लगा लगा के पूछता है अंग्रेजी एसपी की बता। कहने लगी चंपा की मैं अपना जान दे दूंगी यही पर मर जाऊंगी लेकिन जौहर सिंह डाकू का मैं पता नहीं बताऊंगी। अंग्रेज एसपी खींच के रह जाता है। जब भूखा प्यासा भूखी प्यासी चंपा पड़ी रही लगभग 10-20 दिन जब उसको खाना नहीं मिला पानी नहीं मिला तो चंपा डाकू मर जाती है। जब चंपा डाकू मर जाती है चंपा जब मर जाती है तो जौहर सिंह डाकू अपने चंपा के बहन के बदले की आग में जूझ रहा है कि जहां मैं पाऊंगा अंग्रेज एसपी को मारूंगा। लेकिन उस समय होत का बा कहना बा चालाक निकला कि जर्रे जर्रे पर पहरेदारी लगवा दिया। लेकिन ये भैया उसी बीच में अंग्रेज एसपी जौहर सिंह डाकू को जब देखा तो बम गोला फेंकवा दिया। उसी समय घायल होकर मदद मांगने के लिए क्रांतिकारी के पास गए चंद्रशेखर आजाद के पास। कहने लगे कि मेरी दुहाई सुन लीजिए ऐसी ऐसी बात है अंग्रेज एसपी मेरी बहन चंपा को मार डाला कोड़े लगा लगा कर और आज मुझको भी घायल कर दिया। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा लेकिन मुझसे वादा करो सरदार मुझसे वादा करो कि मेरी चंपा बहन और इस जौहर सिंह डाकू का बदला आप लेंगे। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद पूरा क्रांतिकारियों से भेंट मुलाकात करके चर्रे चर्रे पर पहरेदारी लगवा दिए। जहां अंग्रेज एसपी मिलेगा वहीं पर उसको गोला बारूद से उड़ा देंगे। होत का बा मर साहब अरे झोलावा में गोलावा भर के भाई लाता ही यार हो साना मारा भाल एसपी शिकार हो अरे वंदे मातरम के नारा तब बोल दे सफारी वंदे मातरम के नारा तब बोल दे सफारी सुने सब रवा खबर या तब छाती भये हरी We'll be right back.
चंद्रशेखर आजाद जौहर सिंह डाकू की हालत को देखकर कहने लगी कि मेरे भाई चिंता मत करो, मेरे नस नस में एसपी अंग्रेज एसपी अब समा गया है, मैं इसको गोले बारूद से उड़वा दूंगा। आखिरकार में शिकार बना अंग्रेज एसपी मारा जाता है और उसी समय भारत माता की नारा लगने लगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम की नारा लगने लगा। बदला पूरा हुआ भैया, बाह क्रांतिकारी देश, ऐसे ऐसे वीर हमारे देश के लिए शहीद हो गए, छाप में कहना बा। बुधुरम पंधारी कहते धन प्रभु की माया, राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे मात की छाया, अरे सब नम कयासु सोला बन गया, अरे सब नम कयासु सोना बन गया, कहे सोना सुहानी हम कहे भोला भोला, सब नम कयासु सोला बन गया। ससुरारी मेरे देश का लड़का है, कहा थे कि मेरे देश की लड़की माई से भड़की, मांगई मोबाइल बड़की, इनका मतलब कि आजकल का जमाना का होता, इंदैनी पुलवा से कितना आशिक प्रेमी शहीद हुई जाते हैं, हम ही मर मुआई जाते हैं। अब अगर मल्ला जोन हो थी वो सब कूदे ना तो फिल्मी दुनिया वालों ने एक गाना गाया कि साजन मेरा उस पार है, शुगर हो गया 6 महीने से बीमार है। फिर एक गाना आए कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, कितना जने मर गए कोरोना खोखे खोखे से। सोनी और मोनी की जोड़ी अजीब, हम लोग अमीर वो लोग गरीब। अच्छा तू अमीर है बा? अरे बा, दिल के अमीर है बेचारा। अच्छा दिल का अमीर है, नहीं वो दिखाते हैं कि अमीर ही हो, लेकिन कहना बा मेरे देश का पत्ता पहन के चड्ढा झोंक रहा है ठट्ठा, मेरा देश का पत्ता पहन की चड्ढा झोंक रहा भट्टा, हनहन कहा धोवन कि मेरे देश की भौजी बड़ी मन मौजी, भट्टा ना झोंकते कोयला झोंका। अच्छा अरे भट्टवन तो कोयला झोंका था, जटनी जटई जटनवा से मेरा देश का भौजी बड़ी मन मौजी, घर में की है से अलग हौजी, मेरे देश का भौजी। अरे भैया पाँव पड़ी तो हर बेइज्जती हम काहे करो, जकरे इज्जत नहीं है ओकर बेइज्जती का करू, इनके इज्जत बा आइसन बना इन कई वाली अलगौजी करे बा। तोरा नंबर आ गया इतना मार बुआ भाई, जिंदगी